पढ़े जो स्कूल में पढ़े, हम हाईफाई स्कूल में पढ़े हुए। मुझे लगता है सब सब्जेक्ट में फेल हो चुकी है। सुबह के 4 बजे से भाई साहब ये लड़की ने ना सोने नहीं दिया है। 4 बजे आ गई और जगह मुझे PTM में लेके चलो, मेरा रिपोर्ट कार्ड लेकर के आओ, फिर आधे घंटे बाद में, फिर आधे घंटे बाद में, फिर आधे घंटे, कंटिन्यू आई है, कंटिन्यू आई है। अभी देवी को ना स्कूल के लिए जगाया ना, नींद ही नहीं खुलती है, पर PTM के लिए चलो चलो मुझे लेके चलो, मुझे लेके चलो। गाइस, न्यू और हैपनिंग और पता नहीं क्या क्या होने वाला है इस ब्लॉग के अंदर, उसमें आपका मैं स्वागत करता हूँ। आशा उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, ऐसे ऐसे बच्चे आपके भी होंगे और आपका खून पीते होंगे रोज। तो चलिए इसके साथ ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी बेल आइकन ऑन पर कर लो तो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहेगी आपके पास में। तो रेडी होते हैं फटाफट, सुबह का टाइम 9 बजे का हो चुका है और इनको लेकर PTM में पहुँचते हैं। तो दोस्तों निकल चुके हैं घर से बहुत जल्दी जल्दी में, क्योंकि नॉर्मली हमको 10 बजे तक पहुंचना था पर हो गए लेट। जानते हो जब घरवाली मेकअप करने उतरते, जाना है स्कूल है, फिर भी मेकअप तो करना ही करना है, तो लग गई मेकअप करने में और लमसम 1.5 घंटे 2 घंटे तक मेकअप ही चलता रहा इनका। और अभी आप आगे देख लेना, सच सब निकली हैं। तो चल के हम स्कूल में मिलते हैं आप सबसे। जैसे दोनों आ रही हैं, पर अगर इस बदली लड़की का अगर नंबर कम है ना भाई साहब, छत पर ले आऊँगा और छत से फेंकूँगा 4 बार उसको नीचे, क्योंकि बहुत इसने ना बहुत तेल निकलवाया है काम करने के चक्कर में, बहुत तेल निकलवाया इसने। तो ये देना इसका नंबर, मेरा निकला आपका थोड़ा ना। हाँ तो दोनों में से किसी का तो निकला है ना, मैं अगर वो टाइम आपको इधर नहीं देती तो मेरे को दे सकती थी ना। तब चलते हैं स्कूल के अंदर और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आए हैं। अच्छा रिजल्ट होगा तो हंसते हुए बाहर आएंगे, थोड़ी देर बाद में आपको दिख ही जाएंगी। बुरा रिजल्ट होगा तो मैं उनको उल्टा टांग के लेके आऊँगा। बहुत सारे माँ बाप अभी मुझे दिखे हैं भाई, ऐसे कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ते हुए निकलते, तेरे कारण फेल हो गया, तेरे कारण फेल हो गया। अभी हम दोनों भी निकलेंगे, या तो हंसते हुए हम भी दोनों लड़ते हुए निकलेंगे कि इनके कारण फेल हुई है, मेरे कारण फेल हुई, देखेंगे आगे जाकर। कौन से क्लास है भैया आपकी, हैं कौन से क्लास से हम रोते हुए बाहर निकलेंगे, चलेंगे तभी बताओ थी। ये वाली है तो ये है बदल क्लास, चलो पकड़ लेकर के परेशान होते हुए जगह देखने की, मैं कहाँ बैठूँ, कहाँ बैठ करके बेहोश गिरने वाली, क्योंकि गुन्नू लगता है सब सब्जेक्ट में फेल हो चुकी है। बैठ जाओ, डंडा लेकर के आते हैं, इसको डंडे से पीटेंगे। नहीं मैं पहले वीडियो बनाऊंगा, बाद में तो पीटेंगे, फिर इसको दबा करके धमाधम धमाधम रिएक्शन आएगा ना इसके अंदर देख करके आपका। इंग्लिश में तो अच्छा होता है, इंग्लिश में तो बेस्ट है, अपनी मम्मा की तरह। ये एक बात, ये एक इस बार भाई हर सब्जेक्ट में ना 5-5, 6-6 नंबर कम लाए हैं इसके, दिखा देता हूँ मैं। जैसे 80 में से दिख रहा हूँ, 80 में से 77 लाई है, पिछली बार 80 में से ना 79 लेकर गए थी, अभी 2.5 नंबर कम लाए हैं, तो 2.5 मुक्का मारेंगे, 1, 2, 2.5। मैम ने पूछा है इनसे कि घर के रखवाली कौन सा जानवर करता है, तो ये बद्दू ने लिखा है टाइगर करता है। इनको पता नहीं टाइगर मिल जाएगा तो पहले इन्हीं को चट करेगा बैठ करके। खैर बहुत अच्छा है, रिपोर्ट कार्ड इसका बहुत अच्छा है इस टाइम पे, पिछली बार से इम्प्रूव कर लिया इसने 80 में से ना, मैथ्स में इम्प्रूव किया, ये बहुत बड़ी बात। हाँ मैथ्स में हमको डर था कि मैथ में फेल हो जाएगी, पर ये टंकी ने काम अच्छा किया है। तो मैथ के अंदर है ना देखने जगह है, इंग्लिश के अंदर इसका ना 80 में से 79 आया एक तरह से पूरा देखा जाए तो। और इसके हिंदी के अंदर है ना डर था हमको, पर 80 में से 74-75 आ गया एक तरह से, ठीक है। मैथ के अंदर सबसे ज़्यादा हमको डर टेंशन थी, तो 80 में से 73 लेकर के आई है, ठीक है। और EVS के अंदर है ना 80 में से 78 लेकर के आई है, ठीक है। और कंप्यूटर में दिमाग अच्छा चलता है फुल मार्क्स इसके, तो एक तरह से पूरे फुल मार्क्स है, क्योंकि ना 0.1 बच गया तो इसलिए फुल मार्क्स है। और GK के अंदर है 80 में से 77 और, तो बेस्ट ही है। और इसके अंदर इनको अंडा मिला है, मैम ने एक ऐसे दे दिया, मैं समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि कभी भी पहाड़ है, एक मिनट को, ये क्या पहाड़ कभी सीधे लाइन में होते हैं, तो मैम ने बताओ ए दिया इनको। खैर इन्होंने आर्ट अच्छा बनाया अपना ये, तो पिछली बार से इम्प्रूवमेंट अच्छे दिए हैं, तो क्या मिलेगी आपको इस बार, ये मिलेगा इनको इस बार।
तो चलते हैं मैम से मिलते हैं, फिर लेके चलते हैं, इनसे प्रॉमिस किया हुआ था तो वो प्रॉमिस अभी आपको थोड़ी देर में देखने को मिलेगा कि इनसे क्या पिछली बार प्रॉमिस किया था उसके बाद, और थोड़ा मैम से बात कर लेते हैं कि इनकी कंडीशंस क्या चल रही हैं क्लास के अंदर। पहले मैम बताएंगी कि क्या पोजीशन है इनकी क्लास में, इसके बाद आगे का प्रोग्राम आरंभ करते हैं। चलो मैम से मिलते हैं। अभी ऐसा खींच करके लेके जा रही है तो उसको बोला था मैंने कि भाई आप प्रॉमिस है अगर आपके नंबर अच्छे आएंगे तो आपको ट्रीट मिल जाएगी, अच्छी पार्टी मिल जाएगी, तो बोली चलो बाहर चलो, क्या करने चले बाहर, पेस्ट्री खाने चले, पेस्ट्री खेलने, तब चलते हैं भाई, इनको जो ट्रीट बोली गई थी वो दिलाते हैं इनको। अब इन्होंने प्रॉमिस पूरा किया है। हाँ नंबर अच्छे लेकर के आए, इनके रिपोर्ट कार्ड है, रिपोर्ट कार्ड में अगर आप नंबर देखोगे तो ये आ रहा है इसके अंदर, ठीक है 94.44% है, अटेंडेंस थोड़ी कम है पर बाकी चीज़ें सही है। अटेंडेंस तो वो तो मेरे पे ब्लेम आता है ना। पर आपने मेकअप किया ना, निकाल लिया आराम से कि हाँ भाई आराम से हो गए, रिजल्ट अच्छे निकाल के लेके आई है, तो चलो हैप्पी हैं, चलते हैं इनको ट्रीट दिलाते हैं। पापा क्या करेंगे कोम का, हो गदी हाँ पापा क्या करेंगे ये काटेंगे। चलो तो आ गए हैं, चलते हैं इसके अंदर, इनको जो पार्टी दी थी वो देनी है पूरी की पूरी। चलो अच्छा आपका मन का चलेगा, और अगली बार फेल हो गई तो चलते हैं इनको पार्टी देते हैं, पेमेंट वगैरह करूँ, ये नहीं लेना है दूसरी जगह चलना है, आपको जो चीज़ चाहिए ना वो यहाँ नहीं मिलेगी, तो वहाँ चलते हैं जहाँ पे मिल जाएगी अपने को। हाँ यहाँ पेस्ट्री मिलती है बेटा पर पेस्ट्री दिख नहीं रही है यहाँ पे, दूसरी शॉप पे चलते हैं वहाँ पे पेस्ट्री मिल जाएगी, वहाँ से पेस्ट्री लेंगे और वहाँ खाएंगे। तो दोस्तों गाइज आए तो थे पेस्ट्री वगैरह लेने के लिए, पर अग्रवाल भाई मुझे लगता है पेस्ट्री शायद इस मौसम अभी नहीं रख रखी उन्होंने, तो एक दूसरी स्वीट्स की शॉप है वहाँ जा रहे हैं और वहाँ पे खाएंगे, तो चलते हैं। फंड को पूरी करने के लिए निकल चुके हैं अभी और अब जा रहे हैं, आज है ना सला हर स्कूल के अंदर पीटीएम चल रही है। हाँ एक्चुअली क्या दिवाली अभी आ गई ना सिर के ऊपर, शायद इस चक्कर से मुझे लग रहा है कि दिवाली सिर पे आ गई ना तो कर रखा है उन्होंने कि माँ बाप सूट सुटा ले बच्चों को पीट पिटा ले। होमवर्क भी नहीं करेंगे सबके सब, खैर कोई नहीं बच्चों को तो पिटने का काम ही, अपन सब भी पीटे थे। खैर ये तो हमारे टाइम में पीटीएम वगैरह नहीं होती थी, हमारे टाइम पे होती थी पीटीएम अलग टाइप की, पीटो 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 बच्चों को पीटो लंबा कर दो, मिलता था रिपोर्ट कार्ड साइन करने के लिए। नहीं हमारे टाइम में तो होती थी पीटीएम, हमेशा होती थी, आप सड़े हुए स्कूल में पढ़े हम हाई फाई स्कूल में पढ़े हुए हमेशा पीटीएम कतई ये ना बेइज्जती कर देती हमेशा, मतलब भाई हम ये है ना वो सीबीएसई वाली मैम है, सीबीएसई वाली मैम है ठीक है, सीबीएसई वाले और हम सब क्या थे, हम देखो सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं पढ़ते थे, हम है ना राज्य गवर्नमेंट से पढ़ते थे, तो हमारे यहाँ क्या होता था, हमारे यहाँ सीधा हिसाब था बेटा ये रिपोर्ट कार्ड लो और जाओ अपने पेरेंट्स से साइन करवा के आओ, साइन भी खुद कर लेते थे। क्या होता था साइन करने का सीन होता भाई, साइन करा के अपने पेरेंट्स से चले जाना और साइन भी खुद कर ले। हाँ तो भाई कौन करेगा, एक बार साइन करवा के भाई सब धो दिया बाप ने पकड़ के ढंग से, बेटा नंबर कम ले बड़ 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 पीट पिटा के बराबर कर दिया उन्होंने, तो मैंने लगा बेटा क्या करे, तो पापा का साइन बहुत ईजी था, बहुत ईजी था, तो मैंने क्या किया कॉपी करना शुरू कर दिया, अपना भी कर देता था अपने भाइयों का भी और भाई का भी सिस्टर का सबका है ना साइन कर लेता, तो कम से कम मैंने पिटाई से हम बच जाते थे, तो ये बेनिफिट बहुत तकड़ा हो जाता था हमें, नहीं तो भाई साहब पहले क्या टीचर बोलते बेटा तू पहले घर से पिट के आ, तू जा बेटे घर पे साइन करवा, तो हम घर जाते पहले वहाँ पिटाई होती और रिपोर्ट कार्ड पे साइन होने के बाद अच्छा साइन कर दिया रुक जा बेटा, तो हमारे जो प्रिंसिपल थे ना वो क्या करते थे हमारे घर के पास में आते थे सब्जी लेने के लिए, वो बोलते थे और राजेंद्र जी नमस्कार, पापा बोलते नमस्कार, अब उन्हें क्या पता कि वो क्यों नमस्कार कर रहे हैं, तो जैसे ही बोलते थे ना उन चीज़ों के लिए बोलते हैं आपका लड़का बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, पापा बोले बहुत अच्छी बात है आप इसलिए तो आपके स्कूल में डाला है,
तो बोलते थे प्रोग्रेस मतलब फेल हो गया और बहुत कम नंबर लेकर गया थर्ड डिवीजन। अच्छा मुझे तो पता ही नहीं है। बोले पता नहीं, साइन तो आप ही ने किया था। बोले कैसा साइन? बोले नहीं देखो रिपोर्ट कार्ड लेकर के आया था, साइन किया हुआ आपका साइन था, तो मैंने भाई वो चीज़ कर दिया, कोई नहीं क्लास में अलाउ भी कर दिया बस। अब स्कूल में तो पिटा ही था, अब उसके बाद चप्पल जूता मम्मी के पैसा की जो हाथ में धड़ धड़ा धड़ धड़ पीट पाट के बराबर कर देते थे। क्यों? इसके लिए कि बेटा फर्जी साइन करता है अभी से, पर क्या करते थे डर लगता था। खैर ये अच्छा कि सिर्फ पिटाई नहीं होती थी तो वो चीज़ का फायदा हो जाता है इसमें। हमको भी ऐसा मिलता कि अच्छे नंबर लेकर के आगे तो ट्रीट मिलेगा, तो हम भी अच्छे नंबर ले आते हैं कुछ भी लेकर के। पापा बोलते थे फर्स्ट लेके आओ कि तो आपको जो आप मांगोगे वो देंगे। नहीं ये बात सही है, मिलता हमको भी था, पर हमके लड़का क्या मिलती थी साइकिल। अच्छा आपको साइकिल नहीं मिली? मम्मा को एक बार साइकिल मिली थी, एक बार लहंगा मिला था, मतलब मिलता सब कुछ वैसे मार्क्स पे, वैसे कुछ नहीं मिलता। मार्क्स लाओगे तो मिलेगा। बता रहे बद्दो हैं और क्या खाओगी? कुछ खास है नहीं ना, कुछ खास है तो ये तो रिकॉर्ड करने जाकर उतर हमारे ट्विटर पापा निकाल दिया हमारे ट्विटर पर। मेरे लिए आई है लस्सी, कड़ी पीने का मन था तो कड़ी लेकर गया, वो पी। दोस्तों पार्टी वार्टी करके पैसा वैसा बहुत खर्च करके अब निकल गए हम घर के लिए। बद्दो को जो चाहिए था वो हमने बद्दो को दिला दिया और हम बिल्कुल खुश हैं अब कि उसके नंबर अच्छे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। आशा उम्मीद करता हूँ आप सबको हमारा फैमिली व्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद।